कोई मेरे पास एक ही नेता थे हमारे इमरान भाई, उन्होंने यही सवाल की थी। आज 5 साल फिर वो इतिहास दोहराया जाएगा कि आज 2024 में भी मेरे पास बहन मुमताज जी आई हैं और अपने इमरान जी आई हैं, क्योंकि 2024 में भी अहमद पटेल जी घर पे आए थे, काफी देर रुके गए थे। उसकी बुनियाद कोई उसकी जगह ले नहीं सकता, मगर बहन मुमताज आई है। तो इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया है, राहुल जी ने, खड़गे जी ने और सोनिया जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, एंटायर टीम ने भरोसा जता के मेरे को कांग्रेस की फिर टिकट दिए कि इस भरोसे की मामन खान से जीत के दोबारा से विधानसभा जरूर पहुंचे। सर मैं आप लोगों के सामने कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो वोट के अपील कहूंगा करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। मेरे से बड़े बड़े वक्ता अभी तो सब कुछ आपको बता दिया और अपील भी कर ली। आप लोगों को पता है कि मेरा एक बहुत बड़ा और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज तक इसमें कोई विकास ऐसा नहीं हुआ। जो 10 साल भाजपा के गए हैं कि मैं उनका मंच के माध्यम से धन्यवाद कर दूं कि मेवात में इतना बड़ा काम किया जो लोगों के लिए उसका फायदा हो रहा है। हाँ ये तो कह सकता हूँ कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने मेवात को पिछड़ने का काम किया है वो आप लोगों के सामने है। कितने दुख दर्द में आप लोग 10 साल जिए हो वो आपके सामने है। किस तरह के अत्याचार आप और नौजवानों पर ढाए हैं वो आपके सामने है। किस तरह से उन्होंने झूठ बोल बोल के सत्ता में आई थी वो आपके सामने है। कुछ दिन पहले की ही बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप उसके बारे में भली बातें जानते हो, मंच के माध्यम से मैं नहीं कहना चाहता, मगर आप लोगों की सारी बातें मैंने विधानसभा में 2019 से लेकर 2024 तक उठाई थी। जब से मैं विधायक बना हूं आपको पता चल गया कि विधानसभा भी हरियाणा में कहीं चलती है। उससे पहले आपको ये पता नहीं था कि विधानसभा में भी एमएलए बोलते हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो। हमारे बच्चे सिरसा रोहतक कुरुक्षेत्र जीत जाते हैं पढ़ने के लिए, गरीब किसान है, आदमी है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, उनका खर्चा सहन नहीं कर सकते, फीस नहीं भर पाते। ये सामने रोड जा रहा है, इसके लिए विधानसभा के बाहर भी धरना पर बैठा। इसमें बहुत एक्सीडेंट हुए, हजारों में एक्सीडेंट हुए, बहुत बच्चे हमारे इस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गए हैं। किसी का भाई बिस्टा है, किसी की माँ बिस्टी है, किसी का बेटा बिस्टा है। मेवात नहर के लिए काफी पुरानी मांग है, उसके लिए हम लोगों ने विधानसभा में बात उठाई। हमारे स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कम से कम ऐसे 91 स्कूल है, 91 जिनमें एक भी टीचर यहाँ नहीं है। 116 ऐसे टीचर है, एक स्कूल है जिनमें एक टीचर पढ़ाता है और बच्चे 200-200 होते हैं। बताओ बच्चे मेवात कैसे आगे बढ़ेंगे जब स्कूल में टीचर नहीं आएंगे। मैंने विधानसभा में कहा था 91 स्कूलों में तो बच्चे कुर्सी निकालते हैं, बैठ जाते हैं, उनके अपना गुरु मान करके सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। इस तरह से शिक्षा हमारे यहाँ बढ़ेगी। हमारे आज तक यहाँ कोई स्थापित नहीं किया सरकार ने कि जो हमारे नौजवानों को रोजगार मिल जाए। कोई हमारे यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं जोड़ी और हमारे एक ड्राइवर ज्यादा हुआ करते थे, उन पर भी एक ऐसा कानून कानून आए हैं जो बर्दाश्त से बाहर है। सब कुछ आप देख रहे हो। मैं ये भी कह सकता हूँ, उससे भी मैं संकोच नहीं करूंगा कि जैसे हालात हमारे 1947 में थे आज भी वैसे के वैसे हालात आज भी मेवात के हैं। कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं है। मैंने विधानसभा में कहा था कि हमको एक इंटरनेशनल स्टेडियम दे दीजिए कि हमारे बच्चे भी रोहतक, जींद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र की तरह वहां रेसलिंग में तैयारी करेंगे। और मैं मुझे विश्वास है कि हमारे नौजवान बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इनको एक बार भी ट्रेनिंग मिलगी तो सबसे पहले हिंदुस्तान में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आने वाला है। इस सरकार ने नहीं सुनी हमारी, इन्होंने आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी। सारी बातें उठाइए, ट्रामा सेंटर मांगा आपके लिए, हाउस में हाँ कर देती सरकार, बाद में कमेटी को भेज देती, कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए 1000 एकड़ लैंड बने,
यहाँ भी नागरिक मोबाइल फोन में रजिस्ट्रेशन दे रहा हाथ जोड़ खड़ा हो गया विधानसभा में, उसकी सर्वे भी कराई, पूरी कंप्लीट हो गई और जवाब देते कंसिडरेशन विचार ठीक है तो कर रहे हैं। अभी सरकार के आप कुछ दिन पहले जब इलेक्शन अनाउंस होने वाला था कहते हैं फोर लेन बन रहा है, कहाँ बन रहा है? हमारे पंच सरपंचों से सारी इन्होंने फ्रीडियो की डिटेल ली थी कि आपको टेंडर लगाएंगे, कहाँ गए, कहाँ गए सारे पैसे? मेवात को छोड़ के पूरा हरियाणा में इनका क्या, लेकिन हमारे किसी सरपंच को इन्होंने पैसा नहीं दिया। ये सरकार एक बार सरपंच पंच को लगे थे, पूछे इनसे इनको पर कितनी लाठियां भाजी थी, एम्प्लाइज ने जब गया वहां धरना प्रदर्शन दिया था पूछे इनसे कितनी लाठियां भाजी थी, और जो हमारे लेडीजों ने आशा वर्करों ने जब धरना प्रदर्शन किया था तो भाजपा ने कितनी लाठियां भाजी थी, और हमारी बेटियों ने जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन लिया था तो उनको किस तरह से घसीटा गया उसको हरियाणा का बच्चा बच्चा नहीं भूल सकता था, जिंदगी जब तक मरेगी उसको नहीं भूलेगी। उनका जवाब देने का टाइम 5 तारीख आ गया है, जितने जाति की है ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। आर्टिकल 194 के तहत मुझे अधिकार है अपनी सारी बातों को विधानसभा में रखने का, और देश की कोई अदालत कोई कोर्ट ऐसी नहीं है जो बाध्य हो मेरे को उस चीज में गलत ठहराने की, लेकिन भाजपा जरूर है जो मुझे गलत ठहराती है। मैं ये कहना चाहता हूँ 36 बिरादरी का हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मेवात में रहते हैं, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ और किसी की भी आवाज किसी के भी साथ अत्याचार हुआ इस मेवात में आपका भाई विधानसभा उसको उठाए। मैं ये कहता हूँ मेरे हिंदू भाई हैं यहाँ आप सबसे भी कह रहा हूँ, हमारा सदैव पुराना भाईचारा है था है और रहेगा, उसको कोई हिंदुस्तान की ताकत वाले नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा अपने हिंदू भाई हैं, मेरी जरूरत पड़े कहीं भी किसी भी टाइम यदि जहां आपका पसीना बहेगा तो हिंदू भाइयों के लिए मामन खान खून बहाएगा काम करेगा। यहाँ हम कोई भी भाषण किसी के बात पे बोलते हैं आगे से काटते हैं पीछे काटते हैं और सिर्फ उसको इस तरह से पेश करते हैं, वोटों का पोलराइजेशन करते हैं, आपस में भड़काने के लिए भाजपा काम करते हैं। आपके सामने यहाँ हम कोई मुसलमान मरता है तो हमारे हिंदू भाई हमको मिट्टी देने आते हैं, कोई हिंदू भाई मरता है तो मेवात के उसके वहाँ दाह संस्कार में जाकर उसको लकड़ी देने का काम करते हैं। यहाँ दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश से देख के राजस्थान से चल के कोई नहीं आएगा, हमें यही मरना है यही जलना, हम भाई भाई। बाकी बहुत कुछ कह लिया, मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों को जो प्यार जो सम्मान आप लोगों ने दिया है और जब भी मेरे ऊपर आप बताइए मेरे को जितनी हिंदुस्तान में दुआएं मिली होंगी शायद किसी को हिंदुस्तान की दुआएं मिली, खासकर मेरी माताएं नहीं है बहने नहीं है जितनी उन्होंने नमाजों में दुआएं करी है, मेरे ख्याल से मैं फिर कह रहा हूँ सब कह रहा मैं उनका शुक्रिया मंच के माध्यम से कर रहा हूँ, मैं उनका एहसान मन रहूंगा। आज जो आपका प्यार है मैं गाँव में गया हूँ सब जगह होकर आया हूँ, जो प्यार इस बार गया है मुझे कभी अपनी इज्जत मान सम्मान कहीं नहीं, घर घर में जो प्यार दिया है वो जब कहती है मेरी माता बहन तू जा टेंशन मत ले, मैं भी कही अपने बहनों से जाओ आप टेंशन तो काम आपका भाई करेगा आपको टेंशन नहीं। बाकी अब ये मैंने पहले भी एक बार और कहा था कि लोकसभा में हमने 5 सीट जीतने का काम किया था, यदि मेरे भाई ये बीजेपी धोखा से लाइव 24 घंटे नहीं देती उसकी 64% 80% पुल होता तो राजबब्बर जी भी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका होता, लेकिन ये धोखा फिर आने वाली 5 तारीख को फिर खेल खेलेंगे, 24 घंटा लाइट देगी आपको लेकिन आप लोगों को सोना नहीं है उस दिन, लाइट कर नहीं सोना है। जो बाहर नौकरी भाई नौकरी कर रहे उनसे भी अपील किए, जो बाहर देश में उनसे भी अपील किए, वैसे कैसे भी हमारे वोट इतनी पोल होनी चाहिए
इन भाजपा वाले की नींद हराम हो जाए, थोड़े मजबूर हो जाए। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट दें। जिस तरह के आपने अत्याचार सहे